बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। आंकड़े जारी होने के बाद हर वर्ग की जातियों के आंकड़े साफ हो गए हैं। बिहार में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा 63% है, तो वहीं जनरल की आबादी 15.2% है। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार में लंबे समय से जातीय गणना पर घमासान छिड़ा था, इस बीच बिहार सरकार ने गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है, वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.06% है, तो वहीं सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। वहीं अगर बिहार में जातियों का गणित समझें तो गणना के बाद जो आंकड़े जारी हुए हैं उनमें हर जाति का प्रतिशत बताया गया है। उसके हिसाब से बिहार में यादव की आबादी 14.26% है, कुशवाहा की आबादी 4.27% है, मुसहर 3.08% है, राजपूत की आबादी 3.45% है, कुर्मी 2.86% है, नाई की आबादी 1.59% है, कानू की आबादी 2.21% है, भूमिहार 2.89% है, धानुक 2.13% है, धोबी 0.83% है, कायस्थ 0.60% है, सोनार 0.68% है, कुम्हार 1.04% है, तो वहीं बढ़ई 1.45% है। बिहार में जातीय गणना के बाद जातियों का डेटा सामने आ चुका है। हर जाति के आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी जान लेते हैं, जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ, ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है कि आखिर बिहार की कुल आबादी कितनी है। बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। बिहार से बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,028 है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जैसे ही सामने आए तो सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया। विपक्षी भाजपा के तेवर तल्ख हैं, गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाला और नीतीश ही नहीं लालू यादव पर भी करारा प्रहार किया। गिरिराज सिंह के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने जहां सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने जातीय गणना के फायदे गिनाए। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में
आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े, और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जो अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के तबके के खिलाफ इनकी राजनीति रही है, वो इस संसद के शिलान्यास में जो नहीं बुला रहा हो, उद्घाटन में परहेज कर रहा हो, तो उनसे क्या उम्मीद करिए भाई। सवाल तो इस बात का है कि दुनिया के सबसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, दुनिया में कहते हैं कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, तो आखिर क्या कारण है भाई? दुनिया के 89 देशों ने जनगणना करा लिया, आपको कौन सा कोरोना पकड़ लिया है कि जनगणना नहीं करा रहे हैं आप? बिहार सरकार ने जब से जातीय गणना कराने का ऐलान किया था, तब से इसको लेकर सूबे में सियासी सरगर्मी तेज थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जातीय गणना के खिलाफ दलीलें दी गईं, लेकिन आखिरकार बिहार सरकार को गणना कराने की इजाजत मिली और अब आंकड़े सार्वजनिक हैं। वहीं आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव